आओ सभी, आओ। इतने देर से क्यों आया? कहाँ अटक गया था? टाइम देख यार, देर से आने वाले लोगों को ही तो लोग पूछते हैं। मेरी बदला नहीं है बिल्कुल ही। सुनिए, ये तो वही लड़की है ना जिससे आज शाम को हमारा झगड़ा हुआ था कैफे में। लोखंडे, रिसेप्शन के दिन ईशु के साथ स्टेज पे और कौन रहेगा? अरे उसकी पत्नी है सभी भोसले। ईशान की वाइफ भोसले परिवार की बहू, एक वेट्रेस, ये कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ लगता है। आइए ना आप, आओ बच्चा। अरे ये ना, ये भाई। हमारे भोसले परिवार की सबसे छोटी बहू, मेरी ईशान की धर्म पत्नी, सौ सभी ईशान भोसले। देखिए, जो शादियां हैं वो धरती पर होती हैं, लेकिन जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। वैसी एक जोड़ी है रेशान और सवी की। मैं जानता हूं कि शादी में आप शामिल नहीं हो पाए, बच्चों की जिंदगी, ये शादी सिर्फ परिवार वाले ही आएंगे, वही शामिल होंगे। शादी होने के बाद मैंने इन्हें समझाया कि आप लोग भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और इसे तो आज ही रिसेप्शन रखी। आज आप सब यहाँ आए हैं, आभारी हूँ मैं। आइए और वर वधु को आशीर्वाद दीजिए ताकि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से कटे। अभी ईशान और सभी केक काटकर पार्टी की शुरुआत करेंगे। अरे सोच क्या रहे हो, केक काटो। पक्का साहब यहां पर नहीं है, मेरा ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। यहां तो किसी के मन के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा ईशान। गलती तेरी है, तेरी बीवी की हरकत की वजह से सुरेखा का दिल टूट रहा है। ठेस लगी उसे। मेरी बात ध्यान से सुन, तो सब कुछ संभाल लिया मैंने, तो बस चुप बैठ, मैं बखेड़ा नहीं चाहता। जल्दी से सब खत्म कर, समझना। अरे क्या सोच रहे हो, काटो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। प्लीज I'm sorry, लेकिन मैं अक्का साहब के बिना ये केक कट नहीं करूंगी।